जब से मोदी जी देश के पीएम बने हैं, तब से ही भारत रोडवेज और हाईवे के मामले में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। जिसे देखने के बाद अमेरिका जैसा देश भी हैरान है। इसी प्रोजेक्ट में एक नाम जो सबसे पहले सामने आता है, वो है द्वारका एक्सप्रेसवे का। करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी सरकार देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे बना रही है, जिसे द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। देश भर में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने वाली मोदी सरकार और देश को जाम मुक्त बनाने का काम कर रही है, और द्वारका एक्सप्रेसवे इस कदम की तरफ मील का पत्थर साबित होगी। दिल्ली एनसीआर में भारत माला परियोजना के तहत 29 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे मार्च 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास होगा। इस एक्सप्रेसवे में फ्लाईओवर्स के ऊपर फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। देश की पहली अर्बन टनल भी इसी प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को 4 फेज में पूरा किया जाएगा। दिल्ली से लेकर हरियाणा के खेड़ की धोला तक द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। 29 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे में करीब 19 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में और करीब 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में पड़ता है। दिल्ली में इस हाईवे की शुरुआत NH8 के पास शिव मूर्ति के पास ही हो रही है, जिसका कंस्ट्रक्शन बड़ी ही तेजी से चल रहा है। ये प्रोजेक्ट द्वारका के सेक्टर 21 से होते हुए गुड़गांव के सेक्टर 88, 84, 83, 99 और 103 से गुजरेगा और खेड़ की धोला प्लाजा तक जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज होंगे। मेन जंक्शन पर टनल, अंडरपास रोड, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर होंगे। इसी प्रोजेक्ट में एक टनल भी बनाया जा रहा है, जो 3.6 किलोमीटर लंबी होगी और यह दिल्ली एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इस हाईवे पर स्टेट ऑफ आर्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, टोल मैनेजमेंट सिस्टम और CCTV कैमरा जैसे हाईटेक फैसिलिटी आएगी। इन सब के अलावा पर्यावरण का ध्यान रखते हुए पूरे एक्सप्रेसवे पे 12,000 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं, जिससे कि दिल्ली और उसके आसपास की हवा भी शुद्ध होगी। दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे कई मायनों में बेहद खास होगा। मार्च 2023 में जब देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेसवे के पूरा होने के साथ साथ देश में और कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। जिसमें सबसे पहला नंबर है बुलेट ट्रेन का। भारत साल 2015 में जापान के साथ समझौता करके जापानी तकनीक से बुलेट ट्रेन शुरू करने का प्रोजेक्ट देश में लाया जा रहा है, जिसमें तय किया गया कि सबसे पहले इस ट्रेन को मुंबई से अहमदाबाद के बीच चालू किया जाएगा। कई अनुसार साल 2017 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया और अभी इस प्रोजेक्ट के साल 2023 तक बनकर तैयार हो जाने की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। बंदूक की गोली से भी तेज रफ्तार में चलने वाले इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। इस प्रोजेक्ट के बनकर तैयार हो जाने के बाद जिस मुंबई और अहमदाबाद की दूरी लोकल ट्रेन से 6 घंटे की है, वो बुलेट ट्रेन से महज 2 घंटे 7 मिनट की हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्चा सामने आ रहा है। एक बार इस प्रोजेक्ट को मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट पर सक्सेस मिल जाएगी, तो उसके बाद इसे देश के बाकी शहरों में भी शुरू कर दिया जाएगा। हमारे अगले प्रोजेक्ट में फिर से भारत कुछ नया करने की कोशिश करने जा रहा है। ये देश का सबसे पहला फास्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज तमिलनाडु में बनाने जा रहा है। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर होगी। वैसे तो भारत ने ये ब्रिज साल 2014 में ही बना लिया था, लेकिन कुछ साल में ये टूट का ढेर हो गया था, जिसके बाद दोबारा से इसे ठीक कराया जा रहा है और इस बार इस प्रोजेक्ट में सरकार कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। इसे प्रोजेक्ट को पहले वाले प्रोजेक्ट से ही नया लुक देने की कोशिश की जा रही है। ये ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो देखने में तो किसी आम ब्रिज की तरह ही है, लेकिन जैसे ही कोई नाव या फिर शिप इसके नीचे से गुजरेगा, ये अपने आप बीच से अलग होकर ऊपर की तरफ उठ जाएगा और ऊपर जाकर 90 डिग्री के एंगल पर जाकर अटक जाएगा, और जैसे ही नाव या शिप इसके नीचे से गुजर जाएगी, ये दोबारा वापस अपनी फ्लैट पोजीशन में आ जाएगा। ये पुल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर चलेगा। इस लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट है मुंबई से दुबई तक का अंडरसी प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का खुलासा अबू धाबी में हुई UAE भारत कॉन्क्लेव के दौरान सामने आया था। इस प्रोजेक्ट में UAE भारत को UAE से पानी के नीचे 2000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनाने और जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। ये रास्ता मुंबई को संयुक्त अरब अमीरात के शहर से जोड़ेगा। खास बात यह है कि अंडरसी ट्रेन लेवल 2 घंटे में भारत के मुंबई से UAE तक पहुंचा देगी। ये अंडरसी नेटवर्क दोनों देशों से यात्रियों और श्रमिकों का ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ नर्मदा नदी से UAE में पानी एक्सपोर्ट करेगा और UAE से तेल अपने देश में इम्पोर्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट के कामयाब हो जाने के बाद न सिर्फ भारत और UAE के बीच की दूरी कम होगी, इससे फ्यूचर में होने वाला एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग का काम भी काफी आसान हो जाएगा। समुद्र के रास्ते के बारे में बात करने के बाद बात करते हैं आसमान के रास्ते की। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई रोपवे प्रोजेक्ट की। मुंबई पोर्ट्स के जरिए शिवडी से एलिफेंटा तक समुद्री मार्ग पर लगभग 8 किलोमीटर का रोपवे बनाया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रोपवे होगा। इस प्रोजेक्ट के बनकर तैयार हो जाने के बाद बहुत कम समय में बहुत ज्यादा टूरिस्ट एलिफेंटा की यात्रा कर सकेंगे। खास बात यह है कि मुंबई से खैरापुरी के जिस रास्ते को अभी नाव से पूरा करने में 2 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है, इसके बन जाने के बाद इस दूरी को महज 14 मिनट में तय किया जा सकेगा। भारत पहली बार रोपवे के प्रोजेक्ट को करने जा रहा है, जिस पर वो लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार बैठा है।